Super Run Music present. पायल, पायल, राज, तू कब आया? अभी तो आया था मैं। पायल, तू यहाँ खड़ी-खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? चल अंदर घर का काम निपटा। काम था कुछ? हाँ, मैं अमित से मिलना आया था। अमित तो खेतों पे गया। राज, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ। चल अंदर बैठ के बात करते हैं। चल। मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इस घर में दोबारा ना आ जाए, मैं जानू ही से। अरे ऐसी कुछ बात ना है, ये तो घना सुद्धा छोरा, मैं जानू निकाय से। यो घना सुद्धा ना, ये सर इसकी माँ को मैं जानू। अरे ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसी बात पावेगी? अरे चल, तो मेरा दिमाग तो खराब करे ना। चल अंदर चल। दिमाग ना खराब कर। साजन, हाँ जी, यू क्या कर रहा तू? मैंने भूस गए राज डांगरो को। अरे ये को पड़ पड़ा, ये तो हटा सके तू? यो कर, यो तो मैं हटा दूंगा, पर तुम क्यों परेशान हो रही बिना बात के? परेशान? परेशान ना हूं, छोटे ते बड़े लोग सारे मेरी पैज करे। अरे एक बहू, बहू ने तो उन छोरों को घाघरी की जुम बना लिया। वो बात तो ठीक है, क्यों बे मतलब के दुखी हो रही तुम? अरे दुखी ना हो तो के करूं? तू चिंता ना करे। अरे चिंता ना करूं तो के करूं? तू सारी बात मेरे ऊपर छोड़ दे, यो थारा लाल किस मरज की दवाई है? अरे मेरे पे भी थारा दुख देखा नहीं जाता। तेरे दूर है कोई ऐसा इलाज जिस कुंडे का रहा बंद जा? इलाज तो हो जाएगा माता जी, पर के पर खर्चा, खर्चा तू नो बता, खर्चा के होगा? खर्चे की बात तुम छोड़ो, मैं वहां तक लेकर जा सकूं तुम्हें? हाँ बता, बता खर्चा लगा? जीव तेरी मर्जी हो, जीव चलो। अच्छा तू सन्नी का डांग रोको और तड़का चलेंगे। ठीक है जी। सोगी के पानी भी रखा ना रखा, मुझे प्यास लग रही है। मुझे नहीं पता, जाके खुद देख लो। मैं कह रहा हूँ एक गिलास पानी ला दे। क्या दिया ना, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इतनी प्यास लग रही है ना, जाके खुद ले लो या अपनी माँ से बोल दो। अपनी माँ से बोल दूँ तो तुझे किस खातर लाया फिर मैं? मैं तो इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने आई हूँ, और तो अपने घर वालों की भी। ओहो, किसने कर दी तेरी बेइज्जती? भाभी ने तेरे कुछ ना कहा होगा। छोटों की तो आदत है नहीं कि वो किसी की बेइज्जती करे, वो जो है ना अपनी लाउड स्पीकर, इस काम के लिए तो वो ही काफी है। ओहो अब समझा मैं, तू माँ की बात का बुरा मानगी। माँ की आदत है बड़बड़ करने की, तू भी ऐसा करेगी? तुम्हारी माँ ने आज तक मुझे बहुत बुरा भला कहा, पर मैंने आज तक कुछ भी नहीं कहा। पर आज तुम्हारी माँ ने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की बेइज्जती करी। तुम्हें पता है मुझे डूब के मर जाने को कोई जगह नहीं मिली। तू भी छोटी छोटी बात तन का मलाल कर लगे आरती। छोटी बात तुम्हारे लिए होगी छोटी बात, क्योंकि बेइज्जती मेरी और मेरे घर वालों की हुई है ना, इसीलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आरती बात को समझने की कोशिश कर। हाँ छोड़ो मेरा, अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। कल मैं जा रही हूँ अपने बिहार। मतलब ये जिस घर में मेरे और मेरे घर वालों की इज्जत नहीं, वहाँ मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। तुम मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? कि तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। और हाँ, जब तुम मुझे मेरे पीहर लेने आना, तभी आना जब तुम अपनी माँ से न्यारे हो जाओ। और अब मुझे माफ करो और सोने दो। आरती मेरी बात कहा ना, सो जाओ। अजय दिखाई नहीं दी, कहाँ गए हो? रात उन दोनों में खूब लड़ाई हुई, आखिर कब तक वो अपने भाई की बेइज्जती बर्दाश्त करते, चली गई अपने मायके। आ तो तू ये ठीक कह रही, इस घर में खुश कौन है? लेकिन उसे मायके नहीं जाना। अपने भाइयों को लेने गई है बंटवारा कराने के लिए। तू सही कह रही है, बंटवारा तो एक न दिन इधर होना ही है। बंटवारा? किसका बंटवारा, कसा बंटवारा? देख माँ, ये तो तू जाने,
इस घर में खुश कौन रहे? जो आए वही दुखी हो जाए। आरती अजय तो चले गई और अब हमारा भी मन ना लग गया। साफ सी बात जान दे और लान दे उसे भी बुला के, देख लूंगी। और तू भी जा इसे लेकर। मैं ना डरती किसी तभी, एक इंच नहीं दूं एक इंच। माँ जी देखो बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो बंटवारा हमें भी चाहिए। कमला ये तू ठीक कह रही है, बाबू तुम कुछ बोलते क्यों ना? अरे चुप हो जा, तेरी वजह से एक तो चला गया पर ये लोग भी बंटवारे के लिए तैयार हो रहे हैं। खामोश हो जा, खामोश, अपनी जुबान पर लगाम दे कम से कम। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है और तू समझते नहीं कुछ भी। हाँ सिंह लगड़ रहे मेरे, टक्कर मारूं सबके। अरे क्या बात होगी, क्यों झगड़ रहे, क्या झगड़ा है? यू हमारा घर का मामला अपने आप सुलझा लेंगे, तू अपने घर जा। अरे कुछ नहीं मेजर साहब, आपको तो पता है इसे बस बड़बड़ करने की आदत है, सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। कोई बात नहीं, मैं भाभी की आदत जानू। अगर झगड़ा क्या किस बात का है? आप बताएं मेजर साहब, सुबह सुबह मेरे दो बच्चे घर से चले गए, ये भी बंटवारे के लिए बैठे हैं और ये सब इस कलमुई की वजह से हो रहा है, इस कलमुई की वजह से। दिखे कलमुई ना कह दिया मुझे, लक्ष्मी हो लक्ष्मी। भाभी रोज रोज के झगड़े थे घर का नाश हो जा करे, मान जा तो इस बात ने। मान रही मैं तो ना लड़ती, ले ना सुधारो तुम, पता होगा मान गई। जे कभी शांत ना बैठ सके ना बेटा, मान जा तो भी शांत रहेगा, तब भी ना बात बढ़ाएगा। बेटा कम से कम तू तो शांत हो जा, हम तो शांति बैठे हैं, हम करी का रहे आराम। काम का की बात लेकर बैठ रहे हो तुम भी रोज रोज। महाराज जी अपने ध्यान में बैठे, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी महात्मा आई है, इन पर शक ना करिए, कहीं ऐसा ना हो तुझे ये श्राप देकर भस्म कर दे। अरे एक और सुन ले, अपनी बात जो भी कहनी है ना एक बार के मैं कह दिए। और सुन जिस टाइम हम दोनों इन तक वापस जाएंगे ना, एक बार पैर छू कर इनका और लिकट लिए यहाँ तक, पीछे मुड़ कर बिल्कुल ना देख लिए। प्रणाम महाराज। महाराज बस मैं कुछ नहीं चाहती, इतना चाहूँ अखियो कुंभा मेरे बस में हो जा और जो मैं कहूँ वो ही मन। ऐसा ही होगा। पायल यू क्या सांग भर रही तू? तो क्या भैया, आज कल तो ऐसे कपड़े कभी पहने हैं, ऐसा तो चलन चल ही रहा। अच्छा मम्मी कल मेरे साइंस का प्रैक्टिकल है और मैं तैयारी के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। अच्छा बेटे जाओ लेकिन जल्दी आना। ठीक है मम्मी। ओके बेटा बाय। ए तने इन लत्तों में छोरी को बाहर भेज दिया, ए जा ऐसी माँ को तो कहीं डूब कर मर जा। देख तुझे यहाँ बैठना तो बैठ, ये घर मेरा है, इस घर में मेरी चले, मैं अपनी लड़की को चाहे जो कुछ पहराऊं। तुझे यहाँ बैठना तो बैठ नहीं तो जा।
ये तू अपनी बहुओं को तो ढंग से कपड़े पहनने नहीं देती। तेरी नजर मेरी बेटी के कपड़ों पे भी धरी गई। मेरी नजर ना धरी गई, नजर तो कोई और ही धरेगा। के मतलब है तेरा, ये तू दूसरे को ढंग पहन को देख के भी जड़ है। मैं ना जड़ती, मैं तो तुझे ये समझाऊं, ऐसे नंगे लत्तू में छोरी को घर से बाहर ना भेजा करते। देख लक्ष्मी, तुझे यहाँ बैठना तो बैठ, लेकिन इस तरह की बात नहीं कर। लो ये भलाई का जमाना, किसी को समझाओ तो बुरी लग जा। ये समझा रही तू, ये ना करो वो ना करो ये ना करो, मेरे घर में मेरी चलेगी, तेरे घर में तेरी। क्यों सरो मैं मान सही कह रही हूं। हां आज तो तू कैटरीना कैफ से खूबसूरत लग रही है, है? क्या? लगते तुम भी किसी हीरो से कम नहीं रहे। आखिर तुमने फसाई ली ना चिड़िया जाल में। जाल में ना फसाया मैंने तुझे, मैं तेरे तक प्यार करूं। सच? अगर तुझे मेरे पे भरोसा नहीं आके देख ले। तू क्या मजाक समझ रही है? मजाक तो मेरी किस्मत ने किया है, तुमने प्यार भी किया तो ऐसे टाइम पे जब मैं किसी और की होने वाली हूँ। बता पाए कौन है? उस साले को जानते मार दूंगा। अब जान लेने से क्या फायदा राज, जो होना है वो तो होगा। होगा कैसे, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे होते हुए कोई तुझे दूसरा छू भी नहीं सकता। साले का हाथ जड़ से उखाड़ लूंगा। बता कौन है वो, कहाँ रह वे, के नाम है? कौन है नहीं मालूम, नाम नहीं जानती। हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि वो रहता मेरे दिल में है। हाय के मतलब तू भी तो मेरी गैल के नाटक है। नाटक नहीं, ये हकीकत है राज कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ वो है कि मेरे दिल से निकलता ही नहीं। अच्छा ला मजा दिखा, वो तो तेरे दिल के कौन से कोने में छुपा बैठा है, साले को मैं लिखाड़ूंगा बाहर। शौम, शौम, दादा दादा। बड़ी देर भाई नंदलाला, मारा क्यों करवावे तू काला? अरे बाहर निकल जा मरवा बगा के आज चोड़े मैं मुंह काला करवा बगा ही पिटवा बगा मैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे मित्रे, हम मत पिटवा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, नहीं नहीं यार तेरा। आजा आजा करके लग गया इंतजार तेरा। आजा 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 जल्दी आजा आजा। कौन है तू, किताब कैसे रंग रहा? मैं तो जी यहाँ से वो, हाँ क्या वो, हाँ राज भैया का इंतजार कर रहा था मैं तो। राज जी, हाँ जी, क्यों कहाँ है वो? वो जंगल में जंगल करने लग रहा है। तुम चलो हम चलने साथ साथ आजाएंगे सारी। अरे तू मेरी गैल, घर को चल, घर में सारा काम पड़ा है, तू ना करेगा तो कौन करेगा? अरे वो राज भैया, राज भैया ना रास्ता देखा है, वो भी आ जाएगा, तू चल मेरे साथ। राज भैया ये मजा आ रहा विजय भैया के साथ, तम आजियो जंगल में मंगल करके। अरे वो बहरा ना है, और तू इतना चिल्ला क्यों रहा? मैं तो नहीं चिल्ला रहा जी, मैं कहां चिल्ला रहा जी। तो फिर क्या बात है, मुझे तो लगे दाल में कुछ काला है। नहीं जी नहीं, ना तो दाल में काला ना काले में दाल है, चाहे तुम भी अंदर चल के देख। अगर मुझे बाद में कुछ पता चला तो तेरी खैर नहीं, समझा तू? चल मेरे साथ। नहीं भैया अरे तू कुछ है नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं कभी। ठीक है ठीक है चल, मैं तुम लगा लेता। चलो फिर बोला शाबाश बच्चा शाबाश।
शाबाश, हम थके हुए हैं काफी। जय बाबा चिरगनाथ की, जय बाबा जितुनाथ की, जय बाबा रणवेश्वर महाराज की। गुरुदेव, ये दो देवता कद घोषित कर लिए। सवाल नहीं बच्चा, सेवा करो सेवा। सेवा सेवा गई भाड़ में। पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये दो देवता कब सिद्ध करे। ना बताऊं तो फिर हमें अपना नाम बताना पड़ेगा। बताओ। तो पता चल गया हमारा नाम क्या है। हमारा नाम है उठा पटक और ये डैड दे। समझे? ये दोबारा से बताऊं? ला 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 ला। उठा दो। जय हो बाबा पकड़नाथ की, जय हो बाबा। सौभाग्यवती भाव बच्चा। बैठ माई। कहो बच्चा, क्या कष्ट है? बाबा जी, मेरा सामान तैयार हो गया। तुम्हारा सामान तैयार है बच्चा, किंतु पहले पिछला। अरे कैसी बात करो बाबा जी, ये लो पूरे 5,000 रुपए। हाँ, पर मुझे नो बता दो, पूनम बाब मेरे बस में हो जाएगा सारा? हम आपको ऐसा ताबीज देते हैं जिसको इस्तेमाल करते ही सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ओ मैं मेरी इंग्लिश चामुंडाई भी चेस वाला हूँ, समझ सम्पत स्वाहा। लो बच्चों, ये गुरुदेव सामान दे दो। ये लो माई। बच्चा, इसको रात के ठीक 12 बजे अपने दरवाजे से बांध देना, जो भी इसके नीचे से गुजरेगा वही तुम्हारे बस में हो जाएगा। जय हो गुरुजी, जय हो। बस वही चाहूंगी, सब ठीक हो जाएगा ना। चिंता मत करो देवी, जाओ। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। जय हो बाबा, जय बाबा चिड़कनाथ, जय बाबा पकड़नाथ, जय बाबा दूतनाथ, जय बाबा पकड़नाथ। अरे कमला, ये कैसे मुंह लटकाए बैठी हुई है? क्या बात? क्या बताऊं जी, आपने जो कल मुझे पैसे दिए थे ना, वो घर में से गायब हो गए हैं। अरे तूने पैसे ढंग से नहीं देखे होंगे, पहले ढंग से देख ले, घर में ही होंगे और जाएंगे कहाँ? जी मैंने पूरा घर खंगाल लिया है, मुझे कहीं पैसे नहीं मिले। तो घर में से पैसे जाएंगे कहाँ? कौन चोर है यहाँ पर? क्या बात हो गई, तुम दोनों से उदास कैसे बैठे हो? के बताऊं पिताजी, मैंने कमला को 25,000 रुपए दिए थे घर में रखने के लिए। फिर जब आज मांग रहा हूँ तो कह रही है घर में पैसे ना है। जब घर में पैसे ना है तो गए कहाँ? ठीक बात है, पैसे कहाँ जाएंगे? ठीक से देखो, पैसे घर में ही होंगे। पिताजी, मैंने पूरा घर खंगाल लिया, मुझे कहीं पैसे नहीं मिले। मैं बताऊँ रुपए कहाँ गए? इनने अपने पैर भिजवा दिए। माँ जी, मैं से भूखे नंगे घर की ना हूँ जो आप मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं। देख मैं तो इनने चोरी करे होंगे। अरे साजन, तूने निकाले पैसे क्या? पिताजी, पैसे इसने ना चुराए। फिर पैसे चुराए मेरी माँ ने। ये तू क्या कह रहा है राज? कल जब मैं घर में गया था ना, तो ये गिने लग रही थी और मुझे देख के लगा लिए। क्यों माँ? अरे अरे, तू भी मेरी आस्तीन का सांप पाया। देख, या तो बता दे ठीक से, वरना तेरी खातिर बुलाता हूँ पुलिस अभी इसी घर में, समझ गई? पुलिस ना, पैसे इसके भीतर हैं। माँ! नहीं तो फिर इन्हें ठाए। अरे साजन, सच बता, ठाए थे ना पैसे? देख, तू ये तेरा चरित्र दिखाए मत ना हमारे सामने, वरना आज कलेश हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं के दिखा रही, मेरी रिपोर्ट था, कुछ ही करो। हाँ, ले जा रही मैं तो। बाबूजी, आज तक मैंने जो सुना था ना नौकर के बारे में, वही आज मेरे साथ हुआ। मेरे ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगा इस घर में। मैंने आज तक ईमानदारी से यहाँ काम करा। अच्छा, मेरी थारी राम राम, मैं अपने घर जा रहा जी, बस। रुक साजन। साजन, तू कहीं नहीं जाएगा, तू इसी घर में रहेगा। हमें मालूम है कि तू चोरी कर ही नहीं सकता, वो तो इस बुढ़िया के नाटक को देखने के लिए हमने ये नाटक किया था। देख, इस घर में तेरी उतनी इज्जत है जितनी पहले थी। बेटा,
तो इस बात को समझा कर जरा। आराम से करना। ओफो। अच्छा भैया, हॉस्टल में रह के मेरी मालिश तो बहुत याद आती होगी ना? बहुत याद आती है चाम। देखो फिर बोलो। अरे रहने दे, हर समय इसके पीछे लगी रहती है। हाँ मैं पीछे लगी रहती हूँ, मेरा नाम बिगाड़ दिया। अरे अमित बेटा, क्या रहा तेरे रिजल्ट का? आपको पता है पिताजी, आपका लाल पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया। फर्स्ट? सच्ची? मुबारक हो। अरे अमित की माँ, पूरे गांव में मिठाई बांटो, खुशी मनाओ, अमित बेटा फर्स्ट आया। अरे घर में खुश होने की जरूरत ना है, मिठाई बंटवाती हूँ पूरे गांव में। अरे पायल बेटा, सारे गाँव में मिठाई बांटो, ताकि गाँव वालों को पता लग जाए कि हमारा बेटा पढ़ाई में अव्वल आया है। ठीक है मम्मी, मैं अभी सारे गांव में मिठाई बांट के आती हूँ। आखिर भैया किसका है? शाम चुकूंगा। अरे अमित, एक बात तो बता, तो सिविल की नौकरी करा रहे या फौज की? पापा जी, मैं तो गांव में रहकर खेती बाड़ी करूंगा। खेती? क्या मतलब है तेरा? मतलब साफ है, मेरा नौकरी वोकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पिताजी। अरे फौज की नौकरी करेगा तो भारत माँ की रक्षा करेगा, अगर सिविल की नौकरी करेगा तो जनता की सेवा करेगा। पिताजी मैं तो गांव में रहकर खेती बाड़ी करूंगा और गांव के सभी किसानों को नई तकनीक से खेती करना सिखाऊंगा। और वैसे भी पापा जी, मैं लाखों लोगों का पेट भरूंगा, वो भी अपने खून पसीने की मेहनत से। अरे अमित बेटा, तो बहुत समझदार हो गया, मुझे तेरे पर बहुत गर्व है। अब तो कुछ भी कर, तेरी छूट है, मैं भी तेरे साथ हूँ तन मन धन से। अजी वो आपने कहा था कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाएंगे, वो आपका सपना? अरे सपने न गैर भाड़ में, हमारा बेटा भी समझदार हो गया, तो सपनों की बात छोड़, खड़ी हो गई कप चाय बना लिया। ठीक है, चाय तो मैं बनाकर लाती हूँ, लेकिन तुम भी ना एक छोटी सी खुशी के लिए कागज के घोड़े की तरह से उड़ने लगते हो। हाँ मुझे भी देते रोज सामना धर का आरती करेगा। रे तू टांग मत अड़ाया कर, इस मुंह को बंद भी कर ले। कर बंद कर ले भाई, औरों को दे रही है, हैं? इसमें कुछ हिस्सा हमारा भी तो होगा। तुम्हारे हिस्से में नहीं आता कुछ भी, चल हट मेरे रास्ता छोड़। मार से इतनी देर रुक, सबको बांटते हैं हमें नाटे। राज हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। तुम देख रहे तो मुसीबत हो जाएगी। हमने प्यार किया है, कुछ चोरी नहीं, जो भी है सरेआम है। किसी ने देख लिया तो मेरी जान को मुसीबत आ जाएगी। अरे तो फिर क्या हो गया, जो मांग रहे देगा ढंग क्यों नहीं करती, क्यों तरसान लग रही है सभी ने बात की। उफो, अब तो देना ही पड़ेगा। दे? छोड़ो। साजन जी। जौम जौम। लो वो मीठा करो। दो जी। तुम नहीं लोगे? देवगी तो मैं टाल करूंगा। मेरे तो चाल बाजी, फिर तो फंसेगी। मिल गया तो डबल प्रसाद। चलिए बाबूजी बाहर देख रहे होंगे। चल फिर। जोम जोम जा जा जा। महाराज, महाराज, मैं तो बदनाम होगी, लूटगी, पिटगी, नाई नहीं, दोई नहीं, मत्ते नहीं बदले, मेरा नाश हो गया, बदनाम और होगी, क्या करा तुमने? असंभव, असंभव, तुमने अवश्य कोई गलती की होगी। खैर, यदि तुम कह रही हो तो मैं ध्यान लगा करके देखता हूं। तो ये बात है, तुमने अपना काम किसी दूसरे से कराया है और दोष हमें दे रही हो। महाराज ने तो नौकर से करवाया था, इसीलिए गलती हुई है, दोष हमें देती हो। ठीक है, मेरे पास अब केवल एक ही चारा है, उसको करता हूं, उसके बाद मैं कुछ काम नहीं करूंगा। एक काम करना, तुम अमावस्या के दिन एक कवारी कन्या और 5,000 रुपए का इंतजाम करके ले आना, तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। महाराज ये 2,000 रुपए तो लो,
और मवास के दिन एक कन्या भी और बाकी रुपए भी लेके आ जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। जय गुरु माता जी। खुश रहो, कल्याण रहो, चलो। करूं एक तीर तक दो दो निशाने मजा करूं मैं तो आगे समझ या जो मान सिंह की लौंडी है या ठीक रहेगी इसी करूं तैयार। हाँ अरे ताई राम 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 बेटी राम राम। कहाँ जा रही? कहीं नहीं, मैं तो थारे जाऊं थी कमला भाभी से मिलने। अच्छा, पर तू कहाँ से आ रही? ए बेटी, जोड़ों में दर्द है, डॉक्टर के गई थी दवाई लेने। क्या हो गया ताई, बैठ क्यों गई? अरे बेटी, बड़ा शरीर हो रहा, गोड़ों में बहुत दर्द हो रहा। तू एक बात बता, तेरा हमारे राजू से चक्कर चल रहा है? नहीं ताई, ऐसी बात ना है। मैं सब जानू, तू मेरे राज से लाड करे, प्यार करे, मैं सब जानू। अमावस्या की रात को मेरी गल चल रही, महाराज है तो जो जी चाहोगी वही कर देगा, और तेरा ब्याह राजकुमार की गैल हो जाएगा। बस सोमवारी रात की मावस को तो जब मेरी गैल चलना, जो तू तो चाहोगी वो हो जाएगा, तेरा ब्याह उसकी गैल ही हो जाएगा, राज की गैल हो जाएगा। और मैं तो इतना, तू मेरा भरोसा कर बेटी, यकीन करके देख, मैं तो कभी गलत बात बता सकू कभी नहीं बता। ठीक है ताई, मैं तेरी घर चलूंगी। हाँ, बस एक काम कर ले, चल मैं लेके चलूंगी। देख सारे कल्याण हो जाएंगे, जो चाहोगी वो हो जाएगा। ढंग से हवा कर, हाथ टूट गए तेरे। अरे बेचारी कर तो रही है हवा, और कैसे। अरे पांच हुआ बाबा जी के। जय बाबा जी रखना, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा दुतुरा, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा भोलेरा, जय बाबा पकड़ना। अपने करमन तो बास में आने वाली। संकट, घोर संकट तुम्हारे घर पर, अति घोर संकट है बच्चा। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा। उपाय है बच्चा, उपाय है अनुष्ठान, अनुष्ठान कराना होगा। जय बाबा चिरकना, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा धुतुरा, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा भोलेना, जय बाबा पकड़ना। बाबा जी, हरे दर्शन को मेरे बालक आ रहे। अजय, विजय, देखो बाबा जी आए। बाबा जी मान भाव बच्चा। हाँ बाबा, खुश रहो बच्चा। जाओ जाओ कसम कर दूंगा, कसम कर दूंगा। ए गोना की, तू यहाँ खड़ी, आ जाओ बाबा जी के। बाबा जी, यू मेरा छोटा बेटा राज। पांच हो बेटा। मैंने छूता मैं इसके पैर, तुम ही छूलो। और सुनो पकड़ बाबा, तुझे जो करना कर लिए। घोर अपमान हुआ हमारा बच्चा यहाँ, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा।
नहीं। बाबा जी मैं सारी कुटिया पर आऊंगी दर्शन करने। ठीक है बच्चा आ जाना। आज थारे बाप बेटे की पसंद का खाना बनाया खीर पूरी। सच मा? और के झूठ? क्यों आज के खास बात है? आज सुमारी मावस है। राजकुमार की क्या लोग? मम्मी मैं कमला भाभी के घर जाऊं? वो उनके हमारा मेज पोछ रह गया था, मैं ले आऊं? अब तुझे पढ़ते पढ़ते मेज पोछ याद आ गया। बेटी आज ना जा, फिर कभी जाइए। आज घर का सारा काम फैला पड़ा, यू काम सिंगवा ले। फिर कमला भाभी अपने मायके चली जाएंगी ना? अरे जान भी दे भगवान, काम धाम तो फिर होता रहेगा। एक काम करे बेटा पायल, आइए जल्दी। ठीक है पापा, जाऊं। छोरी ने कहा और तुमने भेज दी। आजकल जमाना कितना खराब है, और वो भी लक्ष्मी के यहाँ। लक्ष्मी की आदत बता तुम्हें कितनी खराब है। अरे भगवान जान भी दे। घरी तो जरी जी फौज ने मारते रखवा दिया था, जब रामचंद्र का पता मार पे कितना बड़ा शांति किया था। अरे हमें आप प्रदेश में कौन टिकन दे था? अरे गई है तो आ भी जाएगी, आप दोनों तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। अरे तू बालक है, तू चुप रहो। अरे तू ऐसा कर खाना लगा, चल बेटा मैं खड़ा खाना। बच्चा बाबा तुम जाकर हमारे लिए ठुम ठुम ठस लेकर आओ। जो क्या महाराज? जाओ और जब तक ना मिले वापस मत आना महाराज। जाओ कल्याण मस्तु। जय बाबा पकड़ना। जय बाबा चिड़कना। जय बाबा पकड़ना। जय बाबा दुतुना। चाची राम राम। चाचा राम राम। राम राम बेटे राम राम। राम राम बेटे राम राम। ए लक्ष्मी ऐसी दोपहर में कहाँ जा रही था लेके? ले टोक दिया, हम 70 काम का जा रहे। ये मैं बूझी तो लिया था, मैं के कह दिया? तू दरोगा है जो तेरे रजिस्टर में लिखवा के जाना पड़ेगा। हे भगवान, ताई पहले कितनी देर हो रही, अब चल जल्दी। पता नहीं क्यों सिर मारे लुगाई। अरे मैं मान सिंह के छोरी लक्ष्मी के साथ जाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तू इसकी बात का बुरा मानगी के भाभी? बुरा तो मैं माननी नहीं, पर वह ऐसी है अपनी औलाद को भी नहीं बख्शती। यह बात तो ठीक है भाभी। अच्छा तो ठीक है, मैं तो चलूं। राम राम। जय बाबा फकड़ना। जय बाबा चिड़कना। जय बाबा फकड़ना। जय बाबा उबरना। जय बाबा फकड़ना। गुरुदेव। हाँ बच्चा। आज तो पांच अंगुली घी में तो है बच्चा, लेकिन फायदा तो जब ही है। हमने वो सामान बताया था खाने पीने का, वो आ गया। सामान तो पूरा तैयार है गुरुदेव, लेकिन उस सामान का जीवी तो कोई फायदा हो जब वह छोरी ने लिया। आएगी बच्चा लाएगी, छोरी भी लाएगी, छकोरी भी लाएगी, उसके खटकी ऐसी लगी है बच्चा। माई आई लड़की लाई सटक नारा। गुरुदेव भोले बन जाओ भोले। बोल क्या बच्चा? ये हो महाराज की सौभाग्यवती भाव बच्चा। प्रणाम महाराज। महासुंदरम महासुंदरम प्रणाम बच्चा, तुम्हारा ही काम होना है ना? जी महाराज। ठीक है बच्चा बैठो, हम तुम्हारा पूरा काम करेंगे। माई तुम जा करके कव्य की ताजा ताजा भेंट लेकर के आओ। इभी लाई महाराज। हाँ हाँ बच्चा चिंता मत करो, पूरा काम होगा बच्चा, जाओ सटक नारा।
महासुंदरम बच्चा। जी गुरुदेव। अब आप यहाँ पहरा देना, हम बच्ची का काम करके लाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है गुरुदेव, ठीक है ठीक है। चलो बच्चा आओ, हम तुम्हारा काम करेंगे। सटक नारा, आओ बच्चा आओ, इधर आओ बच्चा, इधर आओ बच्चा, इधर आओ। सटक नारा, तुम्हारा काम करेंगे। ओ डेरे पर चलो बच्चा, कुटिया में तुम्हारा काम करेंगे। अरे मानसिंह कैसा परेशान हो रहा? अरे परेशान क्या, ठंड हो गए पायल, पता नहीं कहाँ जा रही। वो तो लक्ष्मी कहल नहर की ओर को जा रही थी। नहर की ओर को? हाँ, मैं बस लक्ष्मी से पूछा तो वो तो एकदम से जो है बावड़ी कुत्ते की डाल हटकाई पड़ी, और मुझे तो ऐसा लगा डाल में कुछ काटा है। नहर की डब तो पापा भी बता रहे, जा जल्दी जाके देख, कभी लौंडिया जो है खतरे में हो। ठीक है मैं देख रहा हूँ। ये भगवान ही लड़की से बच्चा देख। बात है क्यों हुआ? उस शेरसिंह ने बता मेरे थे तेरी माँ पायल ने फक्कड़ बाबा कमा देगी। फक्कड़ बाबा? हाँ। बता बता फक्कड़नाथ कहाँ है, कहाँ लेगा पायल को बता। अरे नहीं, अब बच्चा काम पूरा होगा। राज, यू तेरी माँ ने अच्छा नहीं करा मेरी बेटी ने पाखंडी के धोरे भेज गए। अरे समझ लिए, आज तक हमारा आना जाना बंद हो गया। पर इसमें मेरी की गलती है? गलती गलती अपनी माता जाकर पूछिए। पर की बच्ची, चल घर चल। लग लगाया है, अगर हम चाहे भी तो सात जन्म तक नहीं धो सके। मैं ऐसा करा तो करा क्यों? मैं ना करा कुछ भी ना, मैं लेगी से अपने आप गई है बाबा धोरे। इसको क्या जरूरत थी उस ढोंगे के दरा जाने की? तेरे तो प्यार करे इस घर का सपना देखा बहु बनन गया। पापा ताई जी झूठ बोल रही है, इन्होंने मुझे पापा के पास जाने के लिए उकसाया और इस घर की बहु बनने का सपना दिखाया। अगर मेरी बेटी ने कुछ जता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? जिम्मेदार तो यू बुढ़िया है जो दूसरे की छोरी को उन राक्षसों के पास लेगी। हाँ हाँ संपन्न, तू भी मेरे पे इल्जाम लगा। इल्जाम तेरे पे ना तो तेरे फूफा पे आएगा, जी वो गए तो थारे साथ थी। पिताजी एक बच्चा, मैं पूछता हूँ पायल से क्या हुआ। पायल देख सर से, जब तू वहां गई थी तो क्या हुआ? देख पायल घबरा मत, हम सब तेरे साथ है, जो भी कुछ हुआ था वो बता। और हाँ तू चुप क्यों खड़ी है, तुझे सांप सुन गया बोलती क्यों ना? देख जी अपना ही खोटा हो ना, जी पता चले। पायल तो घर तक आके लिखड़ी थी कि कमला वो बता मेज पोस ले आऊं,
नहीं तो फिर वो पियर चली जाएगी। बहू क्या ये बात ठीक है जो मेजर साहब कह रहे हैं? ना पिताजी, ना ये मेरे पास मेज पोस लेने आई और ना ही मैं पियर जा रही। ये चुप क्यों खड़ी बोलती, क्यों ना सांप सुन गया तजा? अरे ये तो बालक थी, अगर तो सैनी थी तो कुछ समझा सके थी। समझाई थी, मेरी ना माननी है एक भी, और मजा तो लग गया। मेरे तो पहले भी कुछ है के मतलब मत बल कुछ ना, या मेरी गल पापा दोहरा गई और मैं तो बाहर काट दी मुंह, बता मैं कर के लेती अपने ना कमी दूसरों को दोष दे। चुप हो जा बस, इल्जाम लगा मैं सब बाल लुटी कर चलता। मैं इल्जाम ना सहन करूं किसी का भी। अरे अपने ग्रामान में जंको, अपने भीतर ले में जंको, दूसरों को जी बात बना करो। अरे ये सबकी बात तुम आ जा नाश कर दिया मैं। अरे नाश तो थारा हो ही रहा, कसर के रह रही पार्वती संभाल सकी लाडली ने। लेकिन हुआ क्या पापा? इसके एक झूठ ने मेरी नाक कटवा दी। जिस समाज के सामने में सिर उठा के जी उठा ना, वो मेरा बंद कर दिया इसे। क्या मतलब? इसने मारते ऐसा झूठ बोला जिससे मारा विश्वास चूर चूर हो गया। के हो गया? कुछ तो बोला होगा इसने। ये मरता कह के गई कि कमला के यहाँ मेज पोस लेने जाऊं, लेकिन वहाँ बहू ने साम मने कर दिया। या तो कह रही थी कि वो बिहार जागी। इतना बड़ा झूठ हमसे? हाँ बहू ने तो साम मने कर दिया वहाँ से। अरे पापा आप तो वैसे ही शक कर रहे हैं, हो सकता है कमला वहाँ पे झूठ बोल रही हो। झूठ वाना या कल वही झूठ बोल ली तो होती क्यों ना मर गई थी। ये बैरन को ने कद के बदले काटे है, जी तो ऐसा करा है गला घोट के तुझे मार डालूं। अरे इसमें घना तमाशा करने की जरूरत नहीं है, इसमें भारी बेइज्जती। ये तो एक काम कर, इसका घर से निकलना बंद कर दे। ये तो ठीक कह रहे तुम, पर तुम भी एक काम करो, वही लोंडा देख के और इसके हाथ पेड़े कर दो। हाँ ठीक है, इतने ऐसा ही करना पड़ेगा कुछ। चले खड़ी हो, इसे तो हमारा दिमाग खराब कर ही दिया। जय बाबा चिड़कनाथ, जय बाबा थुतुनाथ, जय बाबा ओगड़नाथ। इब काहे की जय बोल रहे हो गुरुजी? इब तो हमें लगे है यो काम छोड़ के भीख मांगनी पड़ेगी। क्या बकता है? एक ना एक दिन तो भीख मांगनी पड़ेगी, जब तुम्हारे बस में एक छोटी तक ना हुई। मैं लानत है तुम्हारी शक्ति पे। तो यो बात है, चिंता मत करो, अभी देखते जाओ मैं क्या खेल खेलता हूँ। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम, आओ बच्चा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। इंतजार की छोड़ो महाराज, तुम मेरा पहला हिसाब कर दो बस। पहला हिसाब भी होगा, पर इससे पहले तुझे एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम? तुझे बुढ़िया की छोटी बहू मेरे डेरे तक लानी होगी, बड़ी चिकनी है साड़ी। क्यों क्या कह रहे महाराज तुम? मैं ऐसा घिनौना अपराध नहीं कर सकता, उस घर में तो सबका विश्वास है मेरे ऊपर, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। तू नहीं तो हम तोड़ देंगे। क्या मतलब? मैं खुद जाकर उस घर में बता दूंगा कि ये सब तूने अपने लालच में कराया है। ये पुलिस का डंडा घूमेगा ना ऊपर। अरे अहमद कर दे इनका काम है, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अरे तेरे भी कुछ रुपए बन जाएंगे। पर तुम क्यों नहीं ये काम कर लेते? कर तो हम भी ले, पर इसमें टाइम लगेगा, जो हमारे दौरे नहीं है। हाँ तेरे साथ वह आराम से आ जाएगी। ठीक है महाराज, मैं वो काम थारा कर तो दूंगा, पर के तू हमारा इतना काम कर देगा तो तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। महाराज की जय हो। आओ बच्चा आओ बैठो, और तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। प्रणाम। कहो माई कैसे आई? महाराज चाहे तो मेरा सामान दो, नहीं तो मेरे रुपए वापसी करो। सामान या रुपए दोनों में से तुझे एक चीज मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसी थारी मर्जी महाराज। ठीक है। जय बाबा चिड़कना, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा थुतुना, जय बाबा पकड़ना, जय बाबा भोलेना, जय बाबा पकड़ना। ओ खुश रहो, कल्याण रहो, चलो।
है, आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। दरवाजे की तख्ती पे, दरवाजे की तख्ती पे सनम इश्क लिखा है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। तुझ पे है मेरा हक, तभी अर्ज किया है। तुझ पे है मेरा हक, तभी अर्ज किया है। आशिक हूँ तेरा सब ने ये सच जान लिया है। आशिक हूँ तेरा सब ने ये सच जान लिया है। अल्लाह से दुआ है, आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। दरवाजे की तख्ती पे, दरवाजे की तख्ती पे सनम इश्क लिखा है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। आजा कि मेरे घर का बस इतना ही पता है। हाँ जी मैं, माता जी खेत में बेहोश पड़ी जी। क्यों क्या हो गया? नहीं पता जी, बैठो जी आप।
बाबा चिड़कनाथ की, जय बाबा फक्कड़नाथ की, जय बाबा थुतुनाथ की, जय बाबा फक्कड़नाथ, जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा फक्कड़नाथ की। बाबा मेरा सामान कद आवेगा? तेरा सामान, तेरा सामान भी आएगा बच्चा, 10 मिनट और ठहर। 10 मिनट? 2 घंटे हो लिए, बाट देख दो तुझ लोग आया ना। जब इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा इंतजार और कर ले। गुरुजी, ये लो इसकी बहू, कर लो जो कुछ करना। शाबाश बच्चा। अरे बहू तू यहाँ क्या लेने आई? माँ जी वो साजन मुझे यहाँ झूठ बोल के लाया है। अरे बेशरम, माजी माजी छुरी बोक दी तार। अरे नीच कमीन, अरे तेरा खून पी जाऊंगी मैं, तो जब पार दूंगी मैं। अरे जिस थाली में खड़ा उसी में छेद कर दिया। अरे तेरी जान। तो तुमने क्या करा था जो आज मुझे शिक्षा देने लग रही? तू तू भी तो पायल को इन हवस के पुजारियों के बीच में छोड़ कर चली गई थी। जब तेरी ममता कहाँ गई थी हैं? आज तेरी खुद की बहू को उठा लेगा तो आज तेरे अंदर ममता जागूंगी। ये क्या हो रहा है? अमित तू? हाँ मैं। अमित, अमित बेटे, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं समझ गई मेरी गलती है। मैं किसी पायल को कभी बुरी नजर से नहीं देखूं, मैं हमेशा भगवान का भजन करूंगी। बेटा मेरी बहू को बचा ले, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मारी इज्जत बचा ले बेटा, मेरी इज्जत बचा ले। मैं किसी को धोखा नहीं दूँ, कोई झगड़ा नहीं करूँ, भगवान का भजन करूँगी बेटा। मैं बहुत बुरी थी, अब मैं बुरी नहीं रहूँगी बेटा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बहू को बचा ले बेटा, मेरी गलती है। किसी को जान देने की जरूरत नहीं है, आदमी का पश्चाताप ही उसका दंड होता है ताई। और तू कुत्ते, मुझे उस वक्त तुझ पर शक हो गया था जब तू आरती भाभी को साइकिल पर लेकर जा रहा था। आरती भाभी को तो मैं बचाऊंगा मैं। अमित तू सही कह रहा है, आज इस हरामजादे फक्कड़ बाबा का काम तमाम करके रहेंगे दोनों। एक देवर होने के नाते मैं आरती भाभी पर कभी आज नहीं आने देने का। चल चल आ। बुरे कांत बुराई हो गए, ऐसे फक्कड़ बाबाओं की वजह से मेरी माताओं बहनों ने साधुओं के द्वारा जाना छोड़ दिया है। मेरे गुरु ब्रह्मानंद ने कहा है, सडे साठ्यम समाचरेत, यानी के सट के साथ सट जैसा व्यवहार करो, जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। जौं, जौं, डाड़ा डाड़ा। मैं पूरी रात नहीं सोई और सोचती रही मैं कितनी बुरी हूँ, पर आज के बाद मैं सारे परिवार आगे कसम खाऊं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जो मेरे परिवार को बुरा लगे। मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ कर कहूं। चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसने अपनी बात मानी तो सही। के गया? हाँ मैं बेटी पायल, मैं तेरी गलत बहुत बुरा करा, तू ही मुझे माफ कर दे।
मैं तेरे साथ बहुत बुरा करा। ये आप क्या कर रहे हैं माँ जी? सुबह का भूला गए शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तेने मुझे माफ कर दिया? हाँ। मैं तो जब जानू जब तेरे पापा तेरा हाथ राज के हाथ में दे दे। अरे पिताजी दे दीजिए ना, पायल का हाथ राज के हाथ में, और वैसे माँ भी तो यही चाहती है ना। तो ठीक है, आ बेटा राज खड़ा हो, आ बेटा पायल। आज से मेरी बेटी पायल हर घर की बहू होगी। ठीक है मेजर साहब, कोई अच्छा सा मुहूर्त लिखवा के दिवाली से पहले इनका ब्याह करवा देते हैं। आओ मेरे गले मिलो मेरे यार। अरे यार नहीं, अब तो हम संधि हो गए। मजे के चा, आठ रोटी एक लोटा छा, दो कटोरी सब्जी, चार रोटी खा गई तू। अब वास्तव में सुधर गई हमारी माँ।